नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पुकार न्यूज में। मैं हूँ प्रिया लक्ष्मी। तो आइए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचार पर। भारतीय सेना द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2022 से लेकर 2023 के लिए आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा डोडा में आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 116 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है जो जम्मू कश्मीर के युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। पिछले साल डोडा जिले के 7 छात्रों ने स्कूल में प्रवेश लिया और शानदार प्रदर्शन किया। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षाओं में प्रवेश के लिए डोडा के दूर दराज के क्षेत्रों और किश्तवाड़ जिले के छात्र सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। भारतीय सेना हर साल जिला पुलिस लाइन डोडा में प्रवेश परीक्षा आयोजित करती रही है, जो जम्मू और कश्मीर के आर्मी गुडविल स्कूलों द्वारा क्षेत्र के युवा छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें यासिर की ये खास रिपोर्ट। प्रोग्राम रखा गया था, बहुत ही ज़बरदस्त, लोगों को ये खुशी महसूस हुई क्योंकि आप दो चार साल से पहले यहाँ पर कोविड-19 की वजह से बहुत प्रॉब्लम थी बच्चों को, और आज बच्चे खुशी से आज इम्तिहान गाह में आए और इम्तिहान दे दिया, और बच्चे जो हैं चाहते हैं कि हम पढ़ाई हासिल करें और आगे अपने मुल्क का नाम रोशन करें और अपने रियासत जो है हमारी यूटी जम्मू कश्मीर बनी है इसका भी नाम हम रोशन करें और अब बहुत तरीके से अच्छी तरह रोशन नाम करें। बड़ी खुशी हुई कि ऐसे प्रोग्राम अगर आर्मी करते रहेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरक्की हमारी रियासत, हमारी यूटी जो जम्मू कश्मीर में है इसमें होगी। मैं बहुत खुश हूं और पूरी आवाम, जो मैंने लोगों से अभी सुबह से अभी तक यहां मालूमात की और लोग बहुत बड़े खुश हैं, आर्मी की तरफ से बहुत बड़े खुश हैं कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ होते रहेंगे तो बहुत अच्छा ये सिलसिला चलता रहेगा। कुमार है, मैं चराला से आया हूँ, यहाँ एग्ज़ाम था आज। कैसा लगा आपको एग्ज़ाम? पेपर आसानी था, उतना टफ भी नहीं था। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। आज से पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस तरह का एग्ज़ाम था या कोई और डिफरेंट था इसमें? इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, उतना टफ भी नहीं था, आसानी था, तैयारी की थी हमने, अच्छा पेपर हुआ। मतलब उम्मीद है कि आप पास कर जाएंगे? हाँ जी। हम देसा से आए हुए हैं, इधर हमें पहलगाम आर्मी स्कूल के लिए हमने इधर फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, तो 2 दिन पहले से ही हमें टेनार गई ने जैसा हम उधर इलेक्ट्रिशन कर रहे थे तो उन्होंने वो हमें कहा था कि आप पहलगाम आर्मी स्कूल के लिए अगर ज्वाइन कर सकते हो तो फॉर्म अप्लाई कर लो। तो 2 दिन पहले हमें बताया, अगर पहले बताए होते तो कुछ ज़्यादा तैयारी हो सकती थी। कौन सी क्लास में? हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। ऐसे पहले भी एग्ज़ाम तो ऐसे दिए एंट्रेंस से? कोई फ़र्क दिखा? हाँ बहुत फ़र्क दिखा, एंट्रेंस एग्ज़ाम आज पहली बार दे रहे हैं, तो ये 2 दिन पहले अगर बताया, अगर 10 दिन पहले बताता तो कुछ ज़्यादा तैयारी हो सकती थी। 2 दिन में चलो थोड़ा बहुत तो किया है, अब तो मतलब नहीं था, इजी था पेपर इजी था। उम्मीद है कि आप? हाँ हाँ उम्मीद है। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं लिया? जिन्होंने एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं, उनको बेचारों को पता नहीं लगा, किसी को जो अब जिस चीज़ को पता लगा, किसी को कल पता लगा, वो सोच रहे थे कि पहले क्यों नहीं बताया, तो जब लास्ट डेट ख़त्म हो गई थी तो उसके बाद उनका फॉर्म अप्लाई हो नहीं सकता था। हाँ हाँ से मैं रहती हूँ, ऐसे ही गुंडू में पढ़ती हूँ। अच्छा, जो आज का पेपर था तो मतलब पहले भी आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, आज एंट्रेंस टाइप था तो किस तरह था, कोई टफ या आसान था? हाँ ठीक ही था, उतना टफ भी नहीं था, लेकिन मतलब एग्ज़ाम हाल में कैसा लगा आपको? हाँ ठीक ही था। अच्छा, अगर यहाँ से आपकी जो मतलब सिलेक्ट हो जाओगे तो पहलगाम जाना होगा आपको, तो क्या मतलब किस तरह की खुशी महसूस? हाँ बहुत अच्छी खुशी, क्योंकि वहाँ पर न्यू स्कूल होंगे, न्यू डिसिप्लिन सीखे जाएंगे, अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा जाएगा। ये जो एंट्रेंस एग्जाम करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे फॉर्म निकाले कि दूसरे मतलब सबको मिलेगा, ये मौका मिलेगा दूसरे स्कूलों में जाने का, बाहर जाने का और विद डिसिप्लिन सीखने का, अच्छी पढ़ाई अच्छे टीचरों के पास पढ़ने का। जब से वो तो फिर कोरोना आया तब से पढ़ा भी नहीं था कुछ, तो फिर एग्ज़ाम तो सीधे मतलब ऐसे ही दे दिया, मतलब ऐसे ही उतना पढ़ा भी नहीं था।